सब्सक्राइब करें चैनल फॉर यू को और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए, जिसमें आप देख सकें टेक्निकल वीडियो सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मेरा नाम शुभम है और आपके अपने ही चैनल फॉर यू में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हर रोज़ मार्केट में एक से बढ़कर एक न्यू फीचर वाले स्मार्टफोन रोज़ ही लॉन्च होते रहते हैं। इस कारण मार्केट में भी अच्छा खासा कंपटीशन बन चुका है। अभी इसी मार्केट में एक स्मार्टफोन और आने वाला है जो दूसरे स्मार्टफोन कंपनी वाले को अच्छी खासी टक्कर दे सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे HTC की। जैसे हम सभी जानते हैं कि HTC एक से बढ़कर एक न्यू स्मार्टफोन लॉन्च करता है, लेकिन अगर हम बात करें HTC U Ultra की तो वो कुछ खास नहीं कर पाया, क्योंकि जिस प्रकार की उसकी रेंज थी उस रेंज में उस प्रकार की स्पेसिफिकेशन नहीं मिल रही थी, इसलिए वो मार्केट में जा नहीं चला। और बाकी कंपनी ने उस रेट पे बहुत अच्छा प्रोसेसर, बहुत अच्छी कैमरा, बहुत अच्छी स्पेसिफिकेशन फीचर्स वाले फ़ोन दिए। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर अब सब कुछ उल्टा होने वाला है, क्योंकि HTC अपना न्यू स्मार्टफोन लाने वाला है जिसका नाम है HTC U11। ये स्मार्टफोन HTC U Ultra से 10,000 रुपये कम में मिलने वाला है और इसकी स्पेसिफिकेशन, इसकी प्राइस देख के आप भी हैरान जाएंगे। चलिए इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके कुछ खास फीचर्स के बारे में। HTC U11 में होगा ब्रांड न्यू स्क्वीजेबल एज सेंसिटिव फीचर्स, जिससे आप अपने स्मार्टफोन को स्क्वीज या सरल भाषा में कहें तो स्लाइड साइड से स्मार्टफोन को दबा के इसका कैमरे की फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं या आप इसकी वॉल्यूम को सेट कर सकते हैं। जी हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, बट ये अब पॉसिबल है HTC U11 के साथ। इस बार इस कंपनी ने अपने स्मार्टफोन की बॉडी में कुछ नया खास किया है। कंपनी ने स्मार्टफोन की बॉडी को बहुत सारी ग्लास की लेयर्स इसको बनाया है, जिससे ये हाईली रिफ्रैक्टिव प्रिशियस मिरर लगे, जिससे ये हर ब्राइटिंग कंडीशन में अलग अलग कलर रिफ्लेक्ट करे, जिससे ये शाइनी और रिफ्लेक्टिव और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लगे। चलिए अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन की। डिस्प्ले की बात करें तो 5.5 इंचेस का इसका स्क्रीन होगा, साथ ही होगा सुपर LCD 5 कैपेसिटिव टच स्क्रीन, 1440x2560 की इसकी पिक्सल होगी विथ फुल HD स्क्रीन। साथ ही मिलेगा हमें 2.5 कर्व्ड ग्लास की प्रोटेक्शन के साथ होगा कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5, मतलब स्क्रीन प्रोटेक्शन जबरदस्त होने वाली है। चलिए बात कर लेते हैं इसकी परफॉर्मेंस की। HTC U11 रन करेगा लेटेस्ट OS एंड्रॉयड 7.1 नोवट के साथ, साथ ही होगा HTC सेंस UI लेटेस्ट। अब इसकी पावर तो लाजवाब है, क्योंकि ये रन करेगा क्वालकॉम MSM8998 स्नैपड्रैगन 835 के साथ ही होगा 2.45 GHz क्वाड कोर प्रोसेसर, जो कि बहुत ज़्यादा है। ये अगर हम रैम की बात करें तो 6GB की इसकी रैम होगी और इंटरनल स्टोरेज होगी 126GB और एक्सपेंडेबल अप टू 2000GB। चलिए अब बात कर लेते हैं हम इसके कैमरे की। कैमरे तो इसकी लाजवाब है, क्योंकि रियल कैमरा हमें दे रहा है 12 MP का कैमरा विद फोकल 1.7 जूम, और साथ ही इसमें मिलेगा हमें ऑटो फोकस, ऑटो SDR और ऑटो इम्प्रूव क्वालिटी। साथ ही इसमें होगा डुअल LED फ्लैश और इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजर, और साथ ही इसमें जो लो लाइट कंडीशन होती है उसमें भी काफ़ी अच्छी सेल्फीज देगा और बहुत कुछ। साथ ही अगर हम फ्रंट फेसिंग कैमरे की बात करें तो फ्रंट फेसिंग कैमरा होगा 16 MP का, जिसमें होगा हमें सुपर शार्प सेल्फीज। साथ ही होगा सेम फीचर्स जो रियर कैमरा में है, वो सारे फीचर्स फ्रंट कैमरा में भी होंगे। वॉइस सेल्फी कमांड, जी हाँ फ्रेंड, वॉइस सेल्फी कमांड से आप उसके वॉइस से कमांड करके अपनी सेल्फीज को क्लिक कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं बैटरी की। बैटरी होगी 3000 mAh की इसकी बैटरी होगी, अगर ये कलर्स कुछ अमेजिंग कलर्स में अवेलेबल होगा। कलर की बात करें तो इसमें अमेजिंग सिल्वर होगा, सैफियर ब्लू होगा, ब्रिलियंट ब्लैक होगा, आइस वाइट होगा। साथ ही ये फ़ोन और अमेजिंग हो जाएगा, क्योंकि इसमें होगा IPS सर्टिफाइड वाटर रेजिस्टेंट और डस्ट प्रूफ, जिसकी रेंज होगी अप टू 1 meter डीप एंड 30 मिनट की इसकी अप्रॉक्सीमेट टाइम होगा, जिसको आप 30 मिनट तक इसे रख सकते हैं पानी में। अब फ्रेंड चलिए इसके कुछ सेंसर की बात कर लेते हैं। इसमें होगा एज सेंसर, फिंगरप्रिंट सेंसर, लाइट सेंसर, अप्रॉक्सीमेट सेंसर, एक्सलोमीटर सेंसर, कंपस सेंसर और जियोग्राफिक स्कोप सेंसर। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की। फ्रेंड्स, इंडिया में इसकी प्राइस होगी लगभग 51,999 रुपीज़। जी हाँ फ्रेंड, जो HTC U Ultra लॉन्च हुआ था वो 60,000 में हुआ था, और 10,000 कम करके यहाँ पे मिल रहा है हमें 51,999 रुपीज़ में। इतनी अच्छी पावर, साथ ही इतनी अच्छी सेल्फीज़,
पिक्स और साथ ही टच अप डिस्प्ले। ओवरऑल ये स्मार्टफोन बहुत ही बेहतर होने वाला है। अगर हम बाकी स्मार्टफोन को कंपेयर करते हैं, जैसे सैमसंग गैलेक्सी 8 को और वन प्लस 5 को, तो इन स्मार्टफोन को ये बहुत अच्छी टक्कर देने वाला है। तो चलिए जानेंगे आगे कि कैसा रहेगा इसकी, मतलब मार्केटिंग कैसी रहेगी और कितना ये मार्केट में चलता है। तो ये सब जानने के लिए आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें आने वाले समय में मैं आपको ऐसी न्यू लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको तक पहुँचाते रहूँ। और हाँ, कमेंट लाइक और शेयर करना ना भूलिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतने ही। बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ कीप सब्सक्राइब।